अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जैसे कि फेरी मेडोज पे पहुंच गए थे, पर मैं व्लॉग नहीं कर पाया था क्योंकि थक गए थे काफ़ी। फिर आके रेस्ट वेस्ट किया, खाना वाना खाया, अंधेरा हो गया था। वैसे तो हम फेरी मेडोज पे 1:30 बजे पहुंच गए थे, पर अभी जो है मैं निकला हूँ सुबह मज़ीद इस एरिया को एक्सप्लोर करने, और आपको भी दिखाता हूँ मैं कि मेरे सामने के क्या व्यूज़ हैं और मुझे क्या नज़र आ रहा है। ये फेरी मेडोज़ का एरिया है, इसका 360 व्यू देता हूँ जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। आप इन्जॉय करें, ये माउंटेन्स पीछे भी आ रही हैं। अब ये मेरे राइट साइड पे स्नोई माउंटेन्स हैं, ये सामने नांगा पर्वत, इसका क्लियर व्यू। अभी हम लोग नीचे बयाल कैंप जा रहे हैं, वहाँ से भी देंगे। और सामने हमारा होटल, यहाँ पे कुछ लोग कैंप कर रहे हैं। तो बॉयज़ ये पॉइंट है सबसे फेमस, यहाँ पे सारे लोग फ़ोटोज़ लेते हैं ज़्यादातर, ये रिफ्लेक्शन लेके। और सामने नांगा पर्वत का व्यू आप लोग देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन आ रही है पूरी, और ये सामने नांगा पर्वत। ये फेरी मेडोज़ का एक मशहूर पॉइंट है, तो ये मैंने कहा आपके साथ दिखा भी दूँ। अब हम इधर से आगे जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे आगे बयाल कैंप। तो बॉयज़ अभी हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है बयाल कैंप की तरफ, 10:10 हो रहे हैं। और ये फेरी मेडोज जहाँ पे पीछे हमने स्टे किया हुआ था वो जगह है, और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं बयाल कैंप की तरफ और फिर आपको भी बताते हैं। तो अभी रास्ता शुरू हुआ है और हमें कुमराट फॉरेस्ट जैसी वाइब्स आना शुरू हो गई हैं इस रास्ते से। ये छोटी सी एक वाटर क्रॉसिंग भी आ गई है, अभी मैं क्रॉस करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे क्रॉस किया। चलें भाई, अब हम लोग क्रॉस करने लगे। ये दरअसल नहीं नहीं मैं नहीं गिरता, पीछे हमारे अनस भाई भी आ रहे हैं। भाई बाकी टीम हमें छोड़ के आगे चली जाती है। तो बॉयज यहाँ पे हमें पानी दिखा है, अब मैं अपनी बॉटल को फिल करूँगा और फिर हम लोग आगे जाएंगे टूवर्ड्स बयाल कैंप। देखते हैं कैसे फिल होती है बॉटल। बहुत ठंडा पानी है, हाथ जम गए, पानी चेक करें कितना साफ है। चलो ठीक है। हाँ तो बॉयज अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे स्टे किया है बयाल कैंप जा रहे हैं रास्ते में, और ये मेरी हालत है। अभी हम लोग यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और फिर अपना जर्नी आगे का कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स बयाल कैंप। चाय पी के हम लोग निकले हैं, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ वॉक करते हुए, अभी 11:34 हुए हैं, और देखते हैं आप कितनी देर में पहुंचते हैं बयाल कैंप। अभी सारे लोग जो हैं पीछे रह गए हैं और मैं अकेला आगे जंगल में जा रहा हूं, और ये मेरी सराउंडिंग्स, क्या आप लोग व्यूज़ चेक करें। ये ट्रैक है और साथ साथ ये पानी बहता हुआ जा रहा है, बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही हैं। और वो सामने द किलर माउंटेन, द माइटी नांगा पर्वत। अभी क्लाउडी वेदर है तो वो सिंक हो रही है माउंटेन के टॉप जो है क्लाउड्स के साथ। तो बॉयज़ 12:12 हो रहे हैं
आई थिंक बैल कैंप हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हट्स भी नज़र आ रहे हैं और एक हाउस वगैरह भी नज़र आना शुरू हो गई है। बाकी मेन जो बैल पे कैंप का व्यू पॉइंट है वहाँ जाके आपको वहाँ का व्यू भी चेक कराते हैं। यहाँ कितने सुकून से बैठी है दरिया के किनारे, रिफंड का खाना फोड़ के। ये ब्याल कैंप पे हम थोड़ा सा और आगे आए हैं इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये वैली के व्यूज चेक करें आप, ये व्यू बहता हुआ जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है आगे। तो बयाल कैंप पे बारिश शुरू हो गई है और मौसम जो है वो दोबाला हो गया और बहुत ही कोई मज़ेदार वाइब्स आ रही हैं अब तो। अब बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही बारिश रुकेगी फिर हम अपना जर्नी वापस करेंगे टुवर्ड्स फेरी मेडोज। और ये और नांगा पर्वत तो पूरा ही कवर हो गया है क्लाउड से, और ये जो व्यू है ना बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। 3:30 हो गए हैं, अब हम ब्याल कैंप से निकल गए हैं। बारिश होती थी, बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स फेरी मेडोज। अब देखते हैं रास्ते में हमें कहीं प्रॉब्लम होती है कि नहीं, उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम ना हो और हम टाइम पे फेरी मेडोज पहुंच जाएं। तो बॉयज 4:02 पे हम लोग निकले थे और अभी 4:20 हो रहे हैं, 18 मिनट में हम लोग ब्याल कैंप से वापस आ गए। तो आप देख सकते हैं कि वापस आने का रास्ता कितना आसान है और जाने वाला रास्ता 2.5-3 घंटे का है। चलें अब फेरी मेडोज पे जाते हैं, वहाँ नाश्ता सॉरी वहाँ खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपको अपडेट देते हैं। 4:30 हो गए हैं, हमारा होटल आने वाला है। ये मैंने सोचा आपके साथ एस्कॉम का टावर शेयर कर दूँ, आप यहाँ पे बेफिक्र होकर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉल्स और आप इजीली कर सकते हो, अपना व्हाट्सएप वगैरह भी यूज़ कर सकते हो फेरी मेडोज पे। उम्मीद है आपको आज वाला व्लॉग पसंद आया होगा, हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करिएगा।